गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू सिविक्स चैप्टर 1। टुडेज टॉपिक इज फार्मा पावर शेयरिंग, यानी जो पावर होती है उसे कैसे शेयर किया जाना चाहिए। ए सिमिलर थिंग वॉज बिलीव्ड इन द पास्ट। इट वॉज एज्यूम्ड दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रेसाइड इन वन पर्सन आर ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। तो पास्ट टाइम में लोगों की ये थिंकिंग थी कि जो है गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो किसी एक पर्सन के हैंड में या किसी एक ग्रुप के हैंड में, यानी कि एक ही जगह जो है होल पावर इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कोई भी डिसीजन जो है सडनली नहीं ले सकते हैं और ना ही उसको लागू कर सकते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स एज मेंशन्ड बिलो। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है यानी कैसे पावर को शेयर किया जाता है, तो फर्स्ट इज पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो दीज आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पावर इज आल्सो शेयर्ड बिटवीन दी ऑर्गन्स। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब इसमें ये जो थ्री ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट को पावर्स को उनके बीच डिवाइड कर दिया गया है, और यह भी एक अथॉरिटी या पावर जो है दी गई है कि हर ऑर्गन जो है एक दूसरे को जो है वो चेकआउट करता रहता है। तो इससे क्या है कि उनके बीच जो है एक बैलेंसिंग बनी रहती है। And second is power can be shared among government at different levels. A general government for the entire country and government at provincial or regional level which is called federal government. तो चूँकि हमारी कंट्री में अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे कि एक होल कंट्री के लिए होती है और दूसरी जो है स्टेट लेवल पे होती है और लोकल लेवल पे, तो इनके बीच जो है एक तरह से पावर को जो है शेयर किया गया है। एंड थर्ड इज पावर में आल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज फेयर शेयरिंग पावर। और इसमें जैसे एक तरह से जो रिलीजियस ग्रुप हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, हाँ, उनको एक तरह से पावर शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि आपने बेल्जियम में देखा जो है। और एक तरह से यह जो मेथड है पावर शेयर करने का, वो ऐसी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में हैं, कम संख्या में हैं, उनको जो है एक तरह से पावर को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स।
कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो अब एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, हाँ, उनके बीच भी जो है पावर को एक तरह से शेयर किया जाता है, ताकि जब ये पावर में होती हैं तो एक तरह से ये उस पर अपनी कंट्रोलिंग करती हैं या उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। When two or more parties form an alliance to contest election, and if they get elected, they form a coalition government and thus share power. अब जैसे जब दो या दो से अधिक पार्टियाँ एक अलायंस यानी संगठन बना करके, गठबंधन करके जो है इलेक्शन लड़ती हैं और वो इलेक्शन जीत जाती हैं, तब उनके द्वारा जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है उसे कॉलिजन यानी मिलीजुली सरकार कहते हैं। और सरकार बनने के बाद तो वो जो जितनी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व रहती हैं उनके बीच जो है पावर को शेयर कर दिया जाता है। ओके।